स्वस्थ बीज से ही सफल उत्पादन की कल्पना की जा सकती है। इसी सोच के साथ तृतीय कृषि रोड मैप में बीज के विकास पर विशेष बल दिया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। धान का बीज प्रतिस्थापन दर 19% से बढ़कर 49.35% हो गया है। गेहूं का बीज प्रतिस्थापन दर 24% से बढ़कर 44.27%, मक्का का बीज प्रतिस्थापन दर 78% से बढ़कर 100%, तेलहन का बीज प्रतिस्थापन दर 55% से बढ़कर 75%, दलहन का बीज प्रतिस्थापन दर 6% से बढ़कर 26% हो गया। कृषि विभाग द्वारा कृषि यांत्रिकरण में भी नए आयाम स्थापित हुए। लघु एवं सीमांत किसानों और महिलाओं के लिए कृषि यंत्र बैंक की स्थापना पर बल दिया गया। वर्ष 2007-08 में 48,956 कृषि यंत्रों पर किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई, जो बढ़कर वर्ष 2022-23 में 27,77,925 हो गई है। बिहार में फार्म पावर की उपलब्धता 3.21 किलोवाट प्रति हेक्टेयर हो गई है। लागत का बचत भी है और समय का भी है। समय पर कटाई बुनाई सब हो जाता है। बहुत पहले तकलीफ होता था जन उनके लिए, हर जुताई के लिए, बुनाई के लिए, समय की भी, अब बहुत अच्छा हो जाता है। आज कृषि रोड मैप की ही देन है कि बिहार के 5 कृषि उत्पादों कतरनी चावल, जरदालू आम, मगही पान, शाही लीची एवं मिथिला मखाना को GI टैग मिलने से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिहार के इन उत्पादों को एक अलग पहचान मिली है। वहीं मधु उत्पादन एवं मशरूम उत्पादन में बिहार देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। बदलते मौसम के अनुसार फसल पद्धति में बदलाव लाने के लिए वर्ष 2019 में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरुआत 8 जिलों से की गई। वर्ष 2022 में इस योजना का विस्तार 38 जिलों में किया गया। इस योजना के तहत राज्य के 190 गांवों को मौसम के अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जलवायु अनुकूल खेती के अंतर्गत 0 टिलेज एवं हैप्पी सीडर से धान, गेहूं, सरसों, चना, मसूर और मक्का की खेती किसानों के द्वारा की जा रही है, जिससे फसल उत्पादन में लागत कम और आमदनी ज्यादा मिल रही है। वहीं फसल अवशेष प्रबंधन पर भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जो जलवायु के अनुकूल कृषि का कार्यक्रम होना चाहिए, इन सब चीजों को लेकर के भी हम लोग एक अभियान इसके लिए चला रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो अब उसके बारे में पूरी तैयारी हो गई और जो 4 संस्थाएं हैं उसमें सीधे इन्वॉल्व हैं। हमारे यहाँ के 2 विश्वविद्यालय के लोग उसमें हैं और फिर जो हम लोगों के यहाँ पूसा में बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया वह भी है, और जो पटना में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय जो केंद्र है उससे भी जुड़े हुए कृषि वैज्ञानिक, ये सब उसके साथ जुड़े हैं और उसके हिसाब से हम लोग इस कार्यक्रम को चलवा रहे हैं कि ताकि जो कुछ भी है हम लोग अच्छे ढंग से काम करें, अच्छे ढंग से खेती करें, ये काम कर रहे हैं। कृषि शोध और शिक्षा में भी नए आयाम स्थापित हुए हैं। कृषि रोड मैप की अवधि में 12 महाविद्यालय और 2 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कृषि विभाग के अंतर्गत भूमि संरक्षण निदेशालय बिहार द्वारा वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए पक्का चेक डैम, तालाब का निर्माण, आहार और पैन का जीर्णोद्धार जैसी 36,214 संरचनाओं का निर्माण कराया गया है, जिससे 85,486 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई क्षमता का सृजन हो रहा है। वहीं भूमिगत जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। किसान सालों भर लाभकारी फसलों की खेती ले रहे हैं। मृदा स्वास्थ्य के लिए राज्य भर में जिला स्तर पर सॉइल टेस्टिंग लैब स्थापित कर किसानों के खेतों की निशुल्क मिट्टी जांच की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के घर तक बीज पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।